हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत सारे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, आज का जो चैनल मैसेज आया है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, या हो सकता है अभी उनसे आपका नो कॉन्टैक्ट है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे थोड़ा एक डिस्टेंस है आपका। एक्चुअल मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फैमिली का, फ्रेंड का, कोई भी हो सकता है जिसे आप जानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैं ये कहूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें जानते हैं, ये जो भी पर्सन है इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अभी आप इनके टच में नहीं, ओके, मतलब इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, थोड़ा दूर है, या मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपने इन्हें मतलब दूर किया है, ठीक है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे थोड़े नाराज़ हो। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जिसे अभी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, आप उनसे बात नहीं, थोड़ी नाराज़गी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, आपकी तरफ से नाराज़गी दिख रही है, थोड़ी आप किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ओके, तो उनसे हैं, और उनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वीडियो में बनाने वाली नहीं थी, ये वीडियो में बनाने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे अर्जेंटली ये बनाना पड़ा। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आई है, जो मुझे बार बार इस वीडियो को बनाने के लिए पुश कर रहा था कि नहीं नहीं नहीं, आप तक ये मैसेज पहुँचना ही चाहिए। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको एक्चुअली मिस कर रहा है, वो गाना गा रहा है, ठीक है, वो मतलब वो सॉन्ग भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये आपको कह रहा है कि तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आई, ठीक है। इस पर्सन की बस एक लाइन है, ये आपको कह रहा है कि मुझे मनाने आते, मुझसे थोड़ी बात करते, मैं तुमसे मतलब इस टाइम पर मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप भी उनसे नाराज़ हैं और ये भी आपसे है नाराज़, लेकिन ये आपको चाहते हैं कि आप इन्हें मनाने जाओ, ठीक है, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। और ये सॉन्ग गा रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे मतलब ये हाईलाइट हुआ है, ठीक है, ये सॉन्ग आपने सुना भी होगा, ये तेरे बिना जीना सजा हो गया, अरे ऐसा कुछ सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, ये सॉन्ग मुझे सुबह से कम 3-4 बार मुझे ये सॉन्ग मतलब बार बार सुना है, और जब भी ये सॉन्ग मतलब होता है ना कि संद हो जाना, ठीक है, और ये मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा, ये सॉन्ग आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने, कि तेरे बिना जीना सजा हो गया रे सानू, इश्क तेरे ता नशा हो गया रे सानू, ऐसा कुछ गाना है ये, मैंने सुना था तब, ये तो उस टाइम पर 2-2-2 भी दिख रहा था जैसे ये सॉन्ग मैंने सुना था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है किसी की, कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, ठीक है, याद कर रहे हो उन्हें, शायद अभी आप उनसे थोड़ा दूर हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे किसी तरीके, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैसेजेस नहीं है, दोनों एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक कर रखा है, बात करना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ चुका है, ओके, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में कि आपको वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल मिस कर रहे हैं, और आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक लाइन, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, और ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आने लगा कि कोई किसी को मिस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जिनके भी बारे में आप एक्चुअल में अभी सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में आया है, ठीक है, कोई भी ऐसा क्रश भी हो सकता है गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई क्रश जिनके प्रति आपका थोड़ा ध्यान जाता है, आप उनके बारे में सोचते हैं, तो उन्हीं का 3 बार नाम लीजिए, 2 बार नाम लीजिए, ठीक है, देखते हैं वो पर्सन आपको एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, जो भी हैं वो, आपकी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, जिन्हें आप लाइक करते हैं, तो देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, जो एक्चुअल में वो हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं पा रहे, थोड़ी झिझक हो रही है, ठीक है, तो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हम लेने वाले हैं,
तो उनका 3 बार नाम जरूर से लीजिए, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड, मेरे जो व्यूवर्स हैं, ये मैं वीडियो ना मतलब फेस वीडियो बनाने वाली थी, फिर मेरे पास टाइम नहीं रहा और मैंने जल्दी जल्दी ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आप लोगों के पास, देखो टाइम भी बहुत हो चुका है, लेकिन ये मैसेज आप तक ना आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुबह से ही चैनल मैसेज हो रहा था, बट टाइम ना मिलने के कारण, आपको पता है कि टाइम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अभी आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में मतलब मुझे एक्चुअल में टाइम भी नहीं मिलता है, मैं नवरात्रे में बहुत ज़्यादा, आपको क्या बताऊँ, कभी बनाऊँगी कभी ब्लॉग्स तो आपको बताऊँगी, ना टाइम रहता है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अभी, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, ठीक है, पाठ करना होता है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको एक्चुअली में भी बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, यहाँ पे 555 भी दिखा है, हो सकता है आपकी कुछ बात उनसे हो, जल्दी ही हो, कुछ कम्युनिकेशंस हो जाएं दोनों के बीच में, अगर याद हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर 555 दिखा है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, ओके। ओ माई गॉड, आई हेयर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये सॉन्ग सुन रहे हैं, एक्चुअली में सॉन्ग सुन भी रहे हैं, आई हेयर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कोई सा सॉन्ग, मैंने कहा ना आपको तेरे बिना जीना, ये सॉन्ग सुन रहे हैं और वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या ये इस किसी सॉन्ग को सुनकर, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सॉन्ग होंगे जो आप दोनों एक साथ सुनते हैं, तो ये उस सॉन्ग को सुनकर आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये मैसेज, फर्स्ट मैसेज आया है हमारा, और देख लेते हैं, ओके जीवन, प्लीज़ गाइड, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो इस टाइम पर मेरे वीडियोस देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं जिनके भी बारे में, जिनका ध्यान इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओके, क्या है, एक साथ मैं आपको बताऊँगी, पहले मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। ओ माई गॉड, एक्चुअल में कोई मिसिंग एनर्जी है। आपने मॉर्निंग का वीडियो देखा ना जो मैंने 3 से 4 बजे किया था, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, आज का जो मैंने भी किया था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आए हैं उसमें, बहुत ज़्यादा, उसमें भी एक सॉन्ग आया था और आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा, जिसने नहीं देखा मैं आप लोग को मतलब उस मैसेज को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है, उसे जल्दी से ज़रूर से देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से ही जुड़ी हुई है, ओके, बहुत सारे आगे, बट हम बहुत सारे नहीं लेने वाले हैं, कुछ चैनल मैसेज भी लेंगे यूनिवर्स के, ठीक है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, जो मैंने अभी मॉर्निंग में नहीं किया था, इवनिंग में शायद किया था, ओके, बस। ओ माय गॉड, बॉटम पर है, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, कैन नॉट शेयर यू, आई कैन नॉट शेयर यू, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज, जिनके भी बारे में आपने सोच कर ये मैसेजेस देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, मैं आपको कैसे समझाऊं, बहुत ज़्यादा ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, मैंने कहा ना जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ मैसेजेस सेम आ रहे हैं, या तो आप इनसे डिसअपॉइंटेड हैं और मुझे यहाँ पर लग रहा है ये भी आपसे डिसअपॉइंटेड है, लेकिन मिसिंग एनर्जी यहाँ पर इतनी है, इतना ज़्यादा आपको मतलब मिस कर रहे हैं कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज, जो हमारा फर्स्ट मैसेज आया है, ये बहुत ज़्यादा बॉटम पर है, जेलस हो रहे हैं, आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, ये अगर कोई आपके सामने खड़ा हो जाए, कोई आपको देख रहा होगा, घूर रहा होगा, तो ये उनकी आंखें नोच ले, ठीक है, इस हद तक ये जेलस फील करते, ओके। जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है वो है, दैट इज़ आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, बहुत ज़्यादा आपसे डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन किसी बात को लेकर, ओके। जो हमारा थर्ड मैसेज है, फैंटेसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मिस भी कर रहे हैं, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, आई एनवी यू, ये एनवी है आपसे गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपसे
किसी बात को लेकर ना इनको जलन हो रही है, ठीक है, जलन भी हो रही है, ईर्ष्या भी हो रही है, थोड़ी जेलेसी वाली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना, बहुत ज़्यादा मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसे ड्रेसअप होना है, मुझे ऐसे बाल बनाना है। हो सकता है किसी ने अपने बालों की कटिंग करवाई, ऐसे तो नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में ये सब नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। या आपने अपने ड्रेसअप को थोड़ा चेंज किया है, अपने लुक्स को थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, तो किसी तरह के चेंज मैं आपके व्यक्तित्व में देख रही हूँ, जिस वजह से ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा एनवी है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अगर मैं बता दूँ तो जहाँ तक मुझे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एनवी यू, एनवी है। ओ माई गॉड, आई ट्राइड फॉर गेटिंग यू बट कैन नॉट। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है बहुत ज़्यादा कि आपको भूल जाए, भूलने की कोशिश करी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगा है कि ये कहीं कहीं गई भी है, मतलब और जैसे कि कहते हैं ना कि कहीं टूर पे जाना, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना, किसी दूसरे देश में जाना, दूसरी जगह जाना, जिस वजह से ये आपको थोड़ा मतलब अवॉइड करे, थोड़ा आपकी यादों को थोड़ा दूर छोड़ दे, तो उन्होंने ये चीज़ें भी करी है, ठीक है। लेकिन ये ना आपकी यादों से, आपके आपसे मतलब दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जैसा ये चाहते हैं इनसे वैसा हो नहीं पा रहा। कोशिश इनने एक नेक्स्ट लेवल की करी, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से उसमें नाकाम हो गए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट मैसेज है। ओ माई गॉड, मैंने कहा ना लुक्स में कोई इसी तरह की चेंजेस है, या आप लोग सोच रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम दी बिल्कुल आपने वैसा ही बताया जैसा मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसा मैंने देखा। मैं कुछ ऐसे साइन बताती हूँ कि आपने मयूर देखा होगा, मोर देखा होगा, तो बहुत किसी ने कहा कि एक्चुअल में मेरे कार पे आज मयूर आके बैठा था, ठीक है। तो चैनल मैसेज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ मैच होते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताया करें आपने कुछ लुक्स में चेंज किया है अपने लुक्स पे, या आप करने वाले किसी तरह की सोच रहे हैं कि मुझे अपने ड्रेसअप चेंज करने हैं, मुझे अपने हेयर कटिंग करनी है, अपने बालों को थोड़ा स्ट्रेट करना है, कलर करना है, ठीक है, किसी तरह का चेंजेस करने हैं अपने लुक्स में, तो ये चीज़ें आप सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी किया है। जो हमारा नेक्स्ट मैसेज है, दैट इज़ आई एम अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ये आपको अप्रिशिएट जरूर करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, प्यार है, थोड़ी होती है कि और लोग नाराज़ होते थे, थोड़ी जेलसी हो जाती है कि चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, और ये आपको बहुत ज़्यादा ना अप्रिशिएट कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से। आपके बारे में कभी ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपके लाइफ में एक्चुअल में कोई है ऐसा पर्सन तो ही देखा, जिनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कोई, तो या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड जिनको आप लाइक करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये एहसास है कि भाव है कि शायद वो भी मुझे करते हैं लेकिन बताते नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, अप्रिशिएट करते हैं गाइस ये आपको। ओ माई गॉड, जो हमारा नेक्स्ट मैसेज है, आई हैव सेव योर फोटोज ऑन माई फोन। बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को अपने फ़ोन में सेव करके रखते हैं, ठीक है, हाइड करके। इन्होंने शायद, हो सकता है, कहते हैं कि एक एल्बम बनाते हैं जहाँ पर ये ना उसे लॉक करके रखते हैं, वहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ है ये, और किसी के साथ, हो सकता है इन्होंने अपनी और आपकी पिक्चर्स एक साथ बना के एल्बम करके रखी हो, कहीं पे लॉक करके रखी हो, तो ये सेव करते हैं आपकी पिक्चर्स को, ठीक है। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, हाउस वाइफ के लिए भी मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि कपल्स के आए हैं मैसेजेस। कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, कोई क्रश है, कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड है, कोई भी ऐसा जिसे आपको लगता है कि इसके लिए मेरा दिल धड़कता है, या इस इंसान के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स है, मुझे ऐसा लगता है इसके दिल में भी है, ठीक है, तो ये वीडियो एक्चुअल में आपके लिए होगा। ओके ओके, जो हमारा नेक्स्ट मैसेज है, दैट इज़ आई एम अफेयर ऑफ़ यू। इन्हें डर लग रहा है आपसे गाइज, बहुत ज़्यादा। आई एम अफेयर ऑफ़ यू, डरते हैं आपसे किसी तरह से।
ओके, जो हमारा नेक्स्ट मैसेज है, आई गेट नेगेटिव वाइब फ्रॉम यू। मैंने कहा ना, इनको नेगेटिव वाइब्स आ रही है आपकी, आपसे इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे आप प्यार नहीं करते, या आप इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपके लाइफ में कोई दूसरा आ गया है जिनमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनको थोड़ा लग रहा है कि नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, ओके, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं, ओके। जो हमारा नेक्स्ट मैसेज है, डैट इज़ आई एम टू शेम टू योर फेस यू, ओ ओ ओ, ये आपको फेस नहीं कर रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें शर्मगिंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये आपको बोलना चाहते हैं, शायद कुछ ऐसा इन्होंने किया, कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ आपने इनकी चोरी पड़ी। मैंने कहा ना, डिसअपॉइंटेड हैं बहुत ज़्यादा, आप हो सकते हैं, ये भी हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आप इनसे क्लियर करें, बात सही कर दे सारे। फिर से मुझे यहाँ पर 555 दिखा है, तो ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको शर्मिंदगी हो रही है आपसे, आपसे बात करने में, आपसे चीज़ों को ठीक करने में, थोड़ा ये झिझक रहे हैं, ठीक है, शर्म, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शर्म, ये फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, एक्चुअल में फेस नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, इसीलिए बहुत ज़्यादा इनको आपके, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है, ठीक है, कुछ ऐसी गलतियाँ करी, कुछ ऐसी चीज़ें करी, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं और आपको ये फेस भी नहीं कर सकते, ओके, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है डेफिनेटली। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, ओके, अपने फ्रेंड और अपने फ्रेंड से, आपके फ्रेंड से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं इनके, मतलब प्लानिंग में मिली भगत की कुछ हो, ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इनको अच्छा लगता है आपके बारे में बातें करना, ठीक है। ओ माय गॉड, अब मुझे समझ आया, आपको हो सकता है इस पर्सन ने डंप किया हो, ठीक है, आई डंप यू, जिस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें, मैंने कहा ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई इनकी तरफ से, कुछ ऐसी हरकतें इन्होंने करी है, आई डंप यू, तो इनको ये चीज़ पता है कि इन्होंने आपको डंप किया है, आपको बेवकूफ़ बनाया किसी चीज़ में, और कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ ऐसी हरकतें करी जो आपको पता चला है एक्चुअल में, इस वजह से आपको फेस नहीं कर पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि आप अब किसी तरह का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का कोई एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ नहीं कर रहे, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसे स्टेटस नहीं लगाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे इनको ऐसा लगे कि आप इनमें अभी भी इंटरेस्टेड हैं, ओके, तो इस वजह से इन्हें नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं आपकी तरफ से, ओके, एक्चुअल में सही मायने में यही मैसेज आया है, अब मुझे समझ गई, ओके, ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू, हो सकता है आप लोग सिंगल हैं अभी तक, दोनों की शादी नहीं हुई है, ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है इनको आपके प्रति, बहुत ज़्यादा शादी करना चाहते हैं आपसे, ओके। जो हमारा नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, गुस्से में, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपकी तरफ से, आपको मुझे एक्चुअल में ये ना बहुत ज़्यादा ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ तो आप डेफिनेटली ऐसा कर रहे हो, क्योंकि इनकी हरकतों से यहाँ पर पता चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ना उदास है, अपसेट है, बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शट आउट करना चाहते हैं, बट इनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आपको मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ठीक है, ओके, ऐसे पास्ट में ऐसे थे कि आप इनकी तरफ भागते थे, ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा स्पाई करते थे, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ पीछे 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 घूमता, चक्र की तरह बस घूमने लगना, इनको क्या पसंद है, इन्हें क्या नहीं पसंद है, इनको क्या खाना पसंद है, इन्हें क्या खाना पसंद नहीं है, इनको कैसे रहना पसंद है, इनको कैसे रहना नहीं पसंद है, मतलब इनकी पसंद को कहीं ना कहीं आपने अपनी पसंद बना ली, ठीक है, शायद आपने अपने व्यक्तित्व को ही भूल गए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसा जीना चाहते हैं, नहीं, आपने इन सबको छोड़ के इनके ढांचे में ढलना चाहा, और आप ढल भी चुके, जैसा जैसा इन्होंने नचाया आप वैसा वैसे नाचते गए, ठीक है, आप वैसा वैसा करते गए, इनकी पसंद को आपने अपना पसंद बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, आप इनके बिल्कुल इनके जैसे ही, इनकी
एकदम कहते हैं ना कि एक हो जाना, शिव शक्ति कैसे होते हैं, सेम मुझे वैसे ही दिख रहा है। आप बिल्कुल इनके रंग में रंग गई, लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ ऐसी हरकतें करी, कुछ कारण, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे आप इनसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। थोड़ी नाराज़गी बहुत ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी उदास हैं आप, थोड़ा इसी वजह से ना अपने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक्चुअल में ये पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के वजह से, इस इंसान के वजह से मैं अपने आप को ही भूल गई, अपने आप को ही भूल गया, लेकिन इसने वैसी कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, कभी मेरी वैसी वैल्यू नहीं करी जैसे इस इंसान को करनी चाहिए। ये हमेशा अपनी ही अपनी करता रह गया, करती रह गई। मेरे को समझने में इस इंसान ने कभी भी टाइम नहीं लगाया, टाइम नहीं देता मुझे, टाइम नहीं देती मुझे, मुझे मेरे को क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सी हेल्दी बाउंड्री इस इंसान को मेंटेन करनी चाहिए, कौन सी हेल्दी बाउंड्री इसको रखनी चाहिए, इस इंसान ने कभी ये चीज़ें नहीं करी, ठीक है। हो सकता है सबके साथ ही हाँ 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 बातें करना, सबके साथ पिक्चर्स क्लिक करना, सबके साथ एकदम मौज मस्ती करना, मुझे लगता है इनकी ये भी हरकतें हो सकते हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि कोई भी हेल्दी बाउंड्री इनके लिए मायने ही नहीं रखती। ये सबको अपने बाउंड्री के अंदर रखते हैं, सबके साथ ही हाँ हाँ करने में इनको अच्छा लगता है, जो कि आपको नहीं पसंद है, तो इस वजह से ही मुझे लगता है कुछ दूरियाँ हैं, ठीक है, कुछ नाराज़गी है आपको। जो हमारा लास्ट मैसेज है, दैट इज़ आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक अ रिस्पेक्ट यू। ओके, मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो ये किसी की वैसे रिस्पेक्ट आज तक इन्होंने नहीं करी है, ये आपको ये बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, आपको ये चीज़ें मतलब बताना चाहते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, लास्ट में मैसेज देखो क्या आ गई। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते आपसे, मतलब एक इन्होंने दूरी बना रखी है आपकी, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, तो ये आपको कहना चाहते हैं, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके जैसी जैसी मतलब इन्होंने जैसी आपके लिए फीलिंग्स रखी है, जैसे ये आपको मतलब देखते हैं अपनी नज़रों में, वैसे आज तक किसी को भी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली है, बहुत एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर ये आपको बहुत ऊपर देखते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं गाइस, एक्चुअल में उनके मन में ये चीज़ है, जिनके भी बारे में आपने सोच कर ये वीडियो देखा, ये मैसेजेस देखे हैं, वो आपसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने कहा था ना, ये आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको हर तरह से, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको केयर करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी हो सकती है शिकायत है कि आपको प्यार नहीं करते, आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, मतलब आप पर ध्यान नहीं देते, आपकी बातों को मतलब गहराइयों से समझते नहीं हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इन्हें बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे फिर से ये चीज़ें सुनाई दे रहे हैं, मुझे तो मनाने क्यों नहीं आई, आई डोंट नो, बट बार बार ये चीज़ें सुनाई दे रहा है। देख लीजिए, आप लोगों को देखना है, आप लोगों को ही समझना है, शायद आपको ये शिकायत रही है इनसे कि आप ये ना आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत नेगेटिव वे में, इनकी ये आदत है, मुझे लगता है बहुत मजाकिया टाइप के हैं, बहुत कहते हैं लोग हंसमुख टाइप के, रंगीले टाइप के, शायद मुझे लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, थोड़ा सीरियस रहते हैं, थोड़ा वैसे टाइप के नहीं है जो सबके साथ घुल मिल गए, जल्दी जल्दी हंसने लगे, मजाक करने लगे, एकदम से ऐसा लगा कि बल्कि बिल्कुल एकदम से उस इंसान में ही रम गए, ऐसे इंसान आप नहीं है, थोड़े प्रैक्टिकल मुझे लग रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं, आप किसी को अपनी बाउंड्री में जल्दी आने नहीं देते, बाउंड्री मीन्स एक सीमा, ठीक है, अपनी सीमा, आपको पता है आपकी सीमा क्या है और किसको किसके हद में रहना चाहिए, ये चीज़ आपको माता है, अपनी मर्यादा में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मर्यादा, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल टाइप वाली एनर्जी देख रही हूँ आप लोगों की। और ये जो पर्सन है आपके, ये ना बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना, खी खी करना, हंसना मुस्कुराना,
जल्दी से सबके साथ एकदम, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से देखना भी नहीं सामने वाले इंसान को क्या अच्छा लग रहा है, मतलब आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और ये इंसान ऐसे करने लगते हैं तो शायद इनकी ये हरकतें आपको बहुत ज़्यादा चुभती है, ठीक है, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो इस वजह से हो सकता है कुछ भी ऐसे कारण, कुछ मेजर कारण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप इनसे थोड़े हर्ट हैं, नाराज़ हैं, इनसे बात नहीं कर रहे हैं, और ये आपको ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई आगे में आपको बताना चाहते हैं। एक्चुअली मैं अगर वीडियो देखूँ सही मायने में तो ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जेलस भी है, ठीक है, आपसे एनवी भी है, आपके इस नए व्यक्तित्व देखो, एक नई पर्सनैलिटी को देखो, थोड़े एनवी है, थोड़े जेलस है, जेलस इसलिए कि वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते बिल्कुल भी।